अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसके अंदर की रबर की ट्यूबिंग खराब हो गई, दूसरी लेके आओ, मैं तब तक इसको निकालता हूं। No. क्या हुआ? मशीन का पार्ट मूव हो गया, मेरा हाथ फंस गया उसके अंदर। खींचे मत, खींचे मत, चोट लग जाएगी। तेज, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गॉड, हर कौन दर्द हो रहा है? क्या हो गया बेटा? अरे वो हाथ फंस गया मशीन के अंदर। इंजीनियर को बुलाओ, कोई तो इसको मदद करो। अरे अरविंद को वीडियो कॉल करो ना। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। प्लीज जो भी कर रहा है जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अरे कुछ कीजिए ना परम जी, कुछ तो कीजिए। माता रानी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्या करूं? क्या कर रही हूँ, मेरा हाथ फंसाओ, मेरी उंगली टूट जाएगी, प्लीज। मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ना। किसी का दर्द कम करने के लिए ना पहले उसके दर्द को महसूस करना पड़ता है। पर तेरे दिमाग में जो जीते का भूत सवार है ना, उसे तो उनका दर्द और बढ़ा रही है। और आपको कहा था ना कि खींचेगा मत, क्यों खींच रहे हैं आप? आप एक बात नहीं सुन सकते ना मेरी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ सुन लेंगे तो आप मेरी। क्या तरीका है वो तो सिर्फ रहते हुए बात करने का? अरे एक अक्षर तो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम हमें चलिए मशीनें कैसे चलाते हैं ये सिखाने? किसी की तकलीफ कम कैसे की जाए ये कोई पाठशाला में सिखाया नहीं जाता। और जिस तरह आप मेरी नीयत नहीं देख सकती ना, उसी तरह मैं अपने पति को तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से तेज का हाथ बाहर नहीं निकल आएगा। अगर तुझमें इतनी काबिलियत है ना तो उसका हाथ बाहर निकाल के दिखाओ। और खबरदार, अगर उसे एक और क्रॉच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी हेल्प करो कोई। चल। क्या कर रही हो तुम दालचीनी? क्या करने वाली? मेरा हाथ बचाने के चक्कर में अपना हाथ अंदर क्यों डाल रही हो? तुम्हारा हाथ भी फंस जाएगा, प्लीज मत करो ऐसे। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं ना, वो दर्द मुझे महसूस करने में कोई डर नहीं है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मेरा चाहे जो भी हो पर मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी। पर तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तो तकलीफ होगी ना, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है कि हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दूंगी। और हम पिंड के लोग ना चाहे अंग्रेजी ना बोल पाए लेकिन अपना वचन कभी नहीं भूलते। बस मुझ पर भरोसा रखिए और हल्के हल्के से ना हाथ बाहर निकालने की कोशिश। नहीं, बस हल्के हल्के हाथ से। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मैं हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, वो फंस गया अंदर। आप ही काम कीजिए। जय माता दी, बोली बोली, जय माता दी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। जय माता दी। आपने कहा था ना कि आपको चोट चोट लगी, चोट। अरे जब मशीन ही बंद है तो मुझे चोट कैसे लग सकती है? देखा बुआ दादी, मैंने कहा था ना कि अगर मुझ पर थोड़ी सी भी आंच आई या मुझ पर कोई भी मुसीबत आई तो अपनी जान पर खेल जाएगी दालचीनी।
ये इसका ही आइडिया था दालचीनी। मुझे इस बात की खुशी है कि जो इसने बोला था वो इसने साबित करके दिखाया। एक बात तो पक्की होगी कि तुम दोनों लड़कियों से दालचीनी को तेज की ज्यादा फिक्र है, और फिक्र वही होती है यहाँ प्यार होता है। ओ माहिया, पर एक बात है, प्यार के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। भले ही मेरी नजरों में तुम इस इम्तिहान से पास हो गई, लेकिन अभी भी मेरे पोते के लायक नहीं। हाँ वो जी मैं। चुप। लेकिन बुआ दादी आप। तुम बीच में मत बोलो तेज, मैं जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये प्यार तो कुछ महीनों में फीका पड़ जाएगा, और जिस रिश्ते को तुम इतना मजबूत समझ रहे हो वही तुम्हें बोझ लगने लगेगा, क्योंकि तेरी और दालचीनी के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ इस लड़की को मैं रहने के तौर तरीके सिखाऊं, और ये जिम्मेदारी देती हूँ मैं राजरानी को। देख राजरानी, अगर दालचीनी इसमें फेल हुई तो मैं समझूंगी कि राजरानी फेल होगी। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपको ऐसा मौका नहीं दूंगी। मैं इसको अपनी बेटी मान चुकी हूँ, और मैं इसको बिल्कुल अपने घर के सारे तौर तरीके अच्छे से सिखा दूंगी। तो बुआ जी, फिर शादी की तैयारियां शुरू करें। हाँ भाई, नाच गाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कनाडा में ना ऐसे शादियां हो जाती हैं, कोई ढोल नहीं, भंगड़ा नहीं, गिद्दा नहीं, और यहाँ बहुत अच्छे से हम मस्ती से नाच गाना करेंगे। पहला फंक्शन जागो का होगा। एक, दो, तीन। इतने दिनों बाद खुशी का मौका है तो नाच गाना भी होगा और धमाका भी। अच्छा, अगर तुम इतनी खुश हो रही हो तो मैं बुआ दादी से कह दूंगा कि हर दिन तुम्हारे एक एग्जाम लिया करें। नहीं, आप ऐसा ना बिल्कुल नहीं करेंगे। आज मेरा मूड ना बड़ा चंगा है। ऐसी वैसी बातें मत करो, मुझे परेशान मत करो। आप भी आइए ना, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं 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 प्लीज, ये बच्चों वाली हरकतें तुम ही करो, मुझे नहीं करनी है। आपको पता है इसलिए ना लोग बड़े होते हैं ना सड़ू हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों वाली हरकतें कर लेनी चाहिए सर जी। घबराइए मत, आप बिस्तर से फिर से उतरेंगे ना तो आप फिर से बड़े बनकर सड़ू हो जाओ। ठीक है, आ जाइए।
ये पलंग कैसे टूट गया? सॉरी, गलत सवाल जवाब नहीं चाहिए. बेटा वो ये देख, मैं तेरे ब्यागों का सामान लेकर आई हूँ. ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया. देख कैसा लग रहा है. बहुत सुंदर है मम्मी जी, देखिए. अच्छा. मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ मम्मी जी, जिसे ससुराल में भी मायके वाला प्यार मिल रहा हूँ. मेरी रब से एक ही दुआ है कि मेरे दोनों बच्चों की छोली में खुशनसीबियां ही खुशनसीबियां डाले. अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले.